हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ओ ईट से गल्फ जो में। दोस्तों, मैं आपके लिए इजराइल की नई वैकेंसी लेके आया हूँ जिसका इंटरव्यू 17 तारीख को राजस्थान में चलने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखें ताकि आपको पूरी न्यूज मिले, कौन सी पोजीशन है, किस कैटेगरी की रिक्वायरमेंट है, इसमें एज क्या रहेगी, पासपोर्ट की वैलिडिटी क्या रहेगी, आपकी सैलरी क्या रहेगी, ड्यूटी के आपके घंटे आवर्स कितने रहेंगे और कहाँ पे इंटरव्यू होगा राजस्थान में, उसका मैं पूरा आपको ऑफिस का एड्रेस भी देने वाला हूँ। तो आप जा कर के वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कल ही इसका इंटरव्यू है लेकिन 10 बजे तक है, तो आप बिंदास जा सकते हैं। जो भी राजस्थान के आसपास के एरिया के हैं, आप आराम से 2-4 घंटे का भी सफ़र करके जा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी हम नई वैकेंसी या कोई अपडेट लेके आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, एक रिक्वायरमेंट मैंने आज भी डाली है जो राजस्थान में ही की रिक्वायरमेंट है और उसका इंटरव्यू सीकर में चलने वाला है। सीकर में कहाँ पर चलेगा वो भी मैंने बताया था, आप उस पर जाकर के वीडियो देख लेना। ताकि आपको, अगर आप ये झुंझुनू में जाना चाहते हो तो कल झुंझुनू में भी जा सकते हो, झुंझुनू में भी 17 तारीख को इसका इंटरव्यू है। लेकिन जो सीकर में इंटरव्यू है दोस्तों, वो इंटरव्यू क्लाइंट इंटरव्यू नहीं है। राजस्थान सीकर में जो इंटरव्यू प्री सिलेक्शन चल रहा है वो दोस्तों शॉर्टलिस्टिंग वाली इंटरव्यू चल रही है। वहाँ पे आपका फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू होगा बाद में, लेकिन उसका अभी शॉर्टलिस्टिंग चल रहा है जो 15 तारीख से चालू है, जो 20 तक चलने वाला है। शॉर्टलिस्टिंग ऑफिस वाले ही कर रहे हैं, तो आप कभी भी जा करके वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो सीकर में। उसका मैं आपको जो वीडियो है वो आई बटन पे दे दूंगा, आप चले जाना। जो भी राजस्थान के कैंडिडेट हैं उनको पता होगा कि सीकर में कहाँ पे इंटरव्यू होता है। ट्रेड टेस्ट जो सेंटर होते हैं वहीं पर ही आपका होता है सब कुछ, तो आप जा करके अप्लाई कर सकते हैं। और अभी जो मैं बताने वाला हूँ रिक्वायरमेंट दोस्तों, वो है राजस्थान में झुंझुनू में इसका इंटरव्यू हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, 17 तारीख को इसका इंटरव्यू चलने वाला है झुंझुनू में, तो आप झुंझुनू में जा कर के अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि आपका जो है कल ही 17 तारीख को 10 बजे से इंटरव्यू चालू होगा, तो आपके पास टाइम है, पूरे दिन इंटरव्यू चलेगा। आप 10 बजे की जगह 12 बजे पहुंचोगे तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि कैंडिडेट बहुत सारे आएंगे, रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन 4 पोजीशन की रिक्वायरमेंट है। तो कौन सी रिक्वायरमेंट है मैं आपको अभी बता देता हूँ, आप स्क्रीन पर देख लीजिए। स्क्रीन पर आपको मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों, हमारे पास में पूरे इंडिया में जितने भी ऑफिस हैं सबका हमारे पास एड्रेस होता है। और हम लोग कोशिश ये करते हैं कि अगर जो एक्चुअल में जनवन ऑफिस है उसका ही एड्रेस मैं प्रोवाइड करवाता हूँ, अदरवाइज मैं खाली आपको लैंडमार्क बता देता हूँ ताकि आप लैंडमार्क पे जा करके पता कर लें। क्योंकि दोस्तों, मैं नहीं चाहता कि आपके साथ कहीं फ्रॉड हो या कोई आप गलत एजेंट या मैन पावर के चक्कर में पड़ जाएँ, तो इसलिए अभी जो मैं एड्रेस बता रहा हूँ वो जनवन ऑफिस है और अच्छा ऑफिस है। और ये दोस्तों झुंझुनू के अंदर है, झुंझुनू राजस्थान में इसका इंटरव्यू है 17 तारीख को, कल ही है 17 तारीख। तो आप कभी भी 10 बजे, 9 बजे, 8 बजे, 12 बजे तक भी जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, पूरे दिन इंटरव्यू चलेगा। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, ये इंटरव्यू के डिटेल में बता देता हूँ। इंटरव्यू दोस्तों 17 तारीख को, फरवरी 17 को झुंझुनू में सुबह 10 बजे शुरू हो जाएगा। तो शुरू हो जाएगा लेकिन दोस्तों पूरे दिन चलने वाला है, तो आप 11-12 बजे, 1 बजे भी पहुंचोगे तो कोई इशू नहीं। आसपास के जितने भी 100-150 किलोमीटर के एरिया के भी जो कैंडिडेट हैं वो भी आराम से पहुंच सकते हैं, क्योंकि अभी मैं वीडियो आपको डाल रहा हूं, तो आप कल सुबह आराम से पहुंच सकते हैं। इंटरव्यू का जो स्थान है दोस्तों, मैं ऑफिस का जहाँ पर इंटरव्यू चलेगा वो बताने वाला हूँ। इंटरव्यू स्थल है दोस्तों अनुज टेक्निकल ट्रेड एंड टेस्ट सेंटर। जी हाँ दोस्तों, अनुज टेक्निकल ट्रेड एंड टेस्ट सेंटर है, यहाँ पे आपका सबका इंटरव्यू होगा। और गोयनका सागर के सामने संगम कॉलोनी है। आप जब झुंझुनू में पहुँचोगे वहाँ पे किसी भी ऑटो वालों को बोल देना कि अपने को गोयनका सागर के सामने संगम कॉलोनी है, वहाँ पे जाना है। जब आप संगम कॉलोनी में जाओगे वहाँ पे जा करके किसी को भी पूछ लेना कि अनुज टेक्निकल ट्रेड एंड टेस्ट सेंटर कहाँ पे है, तो वहाँ पे सभी बता देंगे दोस्तों आपको। आप बिंदास वहाँ पे जा करके अप्लाई कर सकते हो। और इसमें दोस्तों केवल हिंदू कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, केवल हिंदू कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। मुस्लिम कैंडिडेट के लिए रिक्वायरमेंट अभी नहीं आया है, जब आएगा तो आपको ज़रूर मैं अपडेट दे दूँगा। इजराइल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है ये दोस्तों, और इसमें टाइल्स मेसन है जिसका $1800 सैलरी मिलेगा प्लस ओवरटाइम मिलने वाला है। सेकंड पोजीशन है दोस्तों मेसन चाहिए जिसकी सैलरी $1800 रहने वाली है,
प्लस ओवर टाइम आपको मिलेगा। तीसरी पोजीशन है दोस्तों शटरिंग कारपेंटर। जी हाँ दोस्तों, शटरिंग कारपेंटर की रिक्वायरमेंट है जिसकी सैलरी $1800 प्लस ओवर टाइम मिलेगा। चौथी पोजीशन जो है दोस्तों स्टील फिक्चर, ये स्टील फिक्चर की रिक्वायरमेंट है दोस्तों $1800 प्लस आपका ओवर टाइम मिलेगा। तो ये चार पोजीशन की रिक्वायरमेंट है। $1800 का अगर आप इंडियन रुपए में कन्वर्ट करते हो तो दोस्तों आपकी 1.5 लाख रुपये पर मंथ की सैलरी मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, 1.5 लाख रुपये पर मंथ की सैलरी मिलने वाली है। इसराइल का अच्छा वैकेंसी है और ऑफिस का एड्रेस भी मैंने आपको दे दिया, आप डायरेक्ट ऑफिस जा करके वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। किसी से कॉन्टैक्ट नहीं करना है, डायरेक्ट ऑफिस में जा करके अप्लाई कीजिए। और ड्यूटी जो दोस्तों रहने वाली है वो 8 घंटे रहने वाली है, 8 घंटे से ज़्यादा आपकी ड्यूटी नहीं रहेगी। उसकी सैलरी 1.5 लाख है। अगर आप ओवर टाइम करते हो दोस्तों तो आपकी सैलरी 2 लाख 2.5 लाख रुपये तक जा सकती है। उम्र जो रहेगी दोस्तों आपकी 25 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 25 साल से अगर आपका एज कम है, अगर आपका 5 दिन भी कम है, 1 दिन भी अगर कम है तो आपका इंटरव्यू नहीं हो पाएगा। ये ध्यान रखिएगा, 25 साल कन्फर्म होना चाहिए या फिर 1 दिन आगे होना चाहिए, पीछे नहीं होना चाहिए। और वैसे 45 साल के जो कैंडिडेट हैं दोस्तों, 45 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 45 साल और 1 दिन भी ऊपर नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना, नहीं तो आपका इंटरव्यू नहीं हो पाएगा। 45 साल के अंदर अंदर आपका एज होना चाहिए। पासपोर्ट में कम से कम 3 साल की वैलिडिटी होनी चाहिए, ये भी दोस्तों ध्यान रखना। पासपोर्ट में जो वैलिडिटी है वो 3 साल की कम से कम होनी चाहिए, तभी आपका वहाँ पे इंटरव्यू लिया जाएगा, नहीं तो आपको वापस रिटर्न आना पड़ेगा। ये क्राइटेरिया जो है ये आप अगर फुलफिल करते हो तो आप कल सुबह चले जाना झुंझुनू में जा कर के किसी भी ऑटो वाले को बोलोगे कि मेरे को गोयनका सागर के सामने संगम कॉलोनी में जाना है। संगम कॉलोनी में जाओ, वहाँ पे टेम्पो वाला आपको छोड़ देगा। वहाँ पे उतर के आप किसी को भी पूछ लेना अनुज टेक्निकल ट्रेड एंड टेस्ट सेंटर कौन सा है। वहाँ पे आपको वैसे भी भीड़ मिलेगी तो आपको पता लग जाएगा, लड़के जाते आते मिलेंगे आपको। तो जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं दोस्तों आप जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी हम नई वैकेंसी लेके आएँ या कोई न्यूज अपडेट लेके आएँ या कोई इजराइल से रिलेटेड अपडेट लेके आएँ उसका नोटिफिकेशन दोस्तों आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।